आजाद हिंदुस्तान की नींव जिस दिन संविधान की शक्ल में रखी गई, उसे 2023 में भारत शान से एक नए अंदाज के साथ मनाने जा रहा है। इस साल 26 जनवरी को स्वदेशी भारत की छाप देसी 105 mm इंडियन फील्ड गन्स में दिखेगी, जो इस बार 21 तोपों की सलामी देंगी और ब्रिटिश युग की 25 पाउंडर तोपों की जगह लेंगी। इस खास दिन पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर देश की अनेकता में एकता और देशभक्ति का प्रदर्शन होगा। इन सब के अलावा जो सबसे अलग और खास चीज होने जा रही है वो है परेड के दौरान पहली लाइन में वीवीआईपी लोगों की जगह आम नागरिक लेंगे। इन वीआईपी सीट्स पर कोई बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति या मंत्री संतरी नहीं, बल्कि सब्जी बेचने वाले और ऑटो चलाने वाले बैठेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना है, परेड में पहली लाइन वीवीआईपी लोगों की जगह श्रम योगियों जैसे कि सेंट्रल विस्टा के कार्यकर्ता, फ्रंट लाइन वर्कर्स, सब्जी बेचने वाले और ऑटो ड्राइवर के लिए रिजर्व की गई है। 1947 से लेकर 2023 के हिंदुस्तान में भारतीय महिलाओं की जगह शिखर पर पहुंच रही है, क्योंकि 26 जनवरी की शोभा बढ़ाने में महिलाओं का योगदान ज्यादा होगा। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत गणतंत्र दिवस पर इंडियन नेवी के 144 युवा नाविकों के मार्चिंग दल की अगुवाई करेंगी। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व करती दिखाई देंगी। आपको यहां बता दें कि पिछले साल गणतंत्र दिवस पर इंडियन एयरफोर्स ने पीपल्स चॉइस कैटेगरी में मार्चिंग कंटिजेंट के लिए 2022 का अवार्ड जीता था। इस बार दुनिया भारत की परेड में हिंदुस्तान की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर देखने जा रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।